हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। मैं अंजू पांडे, योर कुक्स चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में बनाएंगे सूजी बॉल्स, जिसे आप रवा बॉल्स भी बोल सकते हैं। इसे आप शाम की चाय के साथ हल्की फुल्की भूख के रूप में खा सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे रवा बॉल्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सूजी बॉल्स बनाने के लिए हमने गैस के ऊपर पैन चढ़ा रखा है। इसमें हम 2 कप के हिसाब से पानी डालेंगे, पानी को उबलने देते हैं। इसमें आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच नमक, 1 चम्मच जिंजर पाउडर। पानी को खोलने देते हैं। पानी हमारा गर्म हो चुका है तो इसमें डालेंगे 1 कप सूजी और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। ठीक होने तक अच्छी तरह से इसे धीमी आंच में हम चलाएंगे, जिससे ये अच्छी तरह से पक जाए। सूजी हमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी है, इसे अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे बिल्कुल भी लम्स ना रहे। सूजी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है, थिक भी हो चुकी है, तो इसे हम गैस से नीचे उतार देंगे। इसे हल्का ठंडा हो जाने देते हैं। सूजी के मिश्रण को हम एक प्लेट में रख लेंगे। सूजी के मिश्रण को हमने एक प्लेट में रख लिया है, जिससे ये हल्का ठंडा हो जाए। बैटर हमारा थोड़ा गर्म है और इसे गर्म ही रखना है, ना ज़्यादा ठंडा हो ना ज़्यादा गर्म। अब हम हल्का सा हाथ में ऑयल लगाकर इसे अच्छी तरह से मस लेंगे। गरम में ही हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। इसी तरह से सारे बॉल्स हम तैयार कर लेंगे। सारे रवा बॉल्स बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम लेंगे इस तरह की एक छलनी, इसे हम तेल से या घी से किसी से भी ग्रीस कर लेंगे अच्छी तरह से। चलते हैं गैस की तरफ। गैस के ऊपर अब हमने एक इडली का बर्तन रखा है, इसके ऊपर से हम इस जाली को सेट कर देंगे। एक एक करके सारे बॉल्स को हम इनमें रखेंगे। और 10 मिनट के लिए इन्हें ऊपर से कवर करके स्टीम करेंगे। और अब हम इन्हें बंद करके रख देंगे, 10 मिनट के लिए स्टीम करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और हमारे बॉल्स भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। इन्हें हम गैस से नीचे उतार देंगे। गैस के ऊपर अब हम फिर से एक पैन चढ़ाएंगे, इसमें 2 चम्मच के हिसाब से तेल डालेंगे। आधी छोटी चम्मच सरसों दाना, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च। यहाँ पर हम 2 लाल मिर्च भी डालेंगे। कड़ी पत्ता, अब डालेंगे हम गरम मसाला, हल्दी और अब डालेंगे हम अपने बॉल्स। अच्छी
अच्छी तरह से इन्हें उलट पलट करेंगे जिससे सारे मसाले हमारे बॉल्स में लग आ जाए। आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे जिससे सारे मसाले हमारे बॉल्स में आ जाए। और अब डालेंगे हम ऊपर से हरी धनिया पत्ती। तो हमारे सूजी बॉल्स बनकर तैयार हैं। रवा बॉल्स हमारे बनकर तैयार हैं और इसे आप शाम की चाय के साथ इसे हल्का फुल्का नाश्ते के रूप में खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।